चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से बात करते हैं कोरडाओ की जो नेगेटिविटी बनी हुई है। हर कोई कह रहा है ये स्कैम है, ये हमें पैसा नहीं देगा। तो इस पर आज बात करते हैं। और जो मेरे दोस्त है ओमेगा में माइनिंग कर रहे हैं, फिलहाल 2 दिन से ऐप ओपन नहीं हो रहा, तो उसके सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। तो कोरडाओ के बारे में बात करते हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरा चैनल यू क्रिप्टो में, क्रिप्टो की दुनिया, फ्री माइनिंग की दुनिया। अभी फिलहाल कोरडाओ के बारे में हर जगह पे नेगेटिविटी फैली कि इन्होंने 26 को लॉन्च करना था, 26 के बाद उन्होंने 1 तारीख कही और 1 के बाद वी आर कमिंग सून ऐसा मैसेज डाला और भाग गए। आज 5 तारीख आई है, कोई लॉन्चिंग का पता पता नहीं, बराबर। तो हमारे मन में तो नेगेटिविटी आनी ही आनी है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या हमारा एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हैं और क्या वो हमारे एक्सपेक्टेशन के पर खरे नहीं उतर रहे? तो अगर वो हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे, इसका मतलब स्कैम नहीं होता, भाग जाने वाले नहीं है, ऐसा नहीं होता। मतलब ना हमें सोचना चाहिए, उनकी तरफ से सोचो। ऐसे मत सोचना कि मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ एरर तो आ जाता है। जब आप चालू करते हैं तो आपको पता होता है कि आप रिलीज कर सकते हैं, आप सही कर सकते हैं, लेकिन एंड दिन एंड रात को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। उन्होंने टेस्टनेट चालू किया, 7 दिन 26 तक देखा उन्होंने, तो टेस्टनेट में कुछ ना कुछ उन्हें एरर पता चला, बराबर। वो एरर पता चलने के बाद उन्होंने वेट किया, एरर ठीक करने का कोशिश की, शायद 1 तारीख तक नहीं हुआ। अभी उन्होंने सिर्फ कमिंग सून कहा है, इसका मतलब ये होता वो एरर ठीक होते ही वो मेननेट लॉन्च कर देगी, समझ गए ये बात यहाँ पर। अभी आगे की बात ये है, देखो मेननेट लॉन्च करने के बाद परफेक्ट करेंगे वो, मेननेट लॉन्च करने के बाद भी बहुत सारे एरर आएंगे, हमें बहुत तकलीफ होने वाली है पैसे निकालने में, कहीं अटक जाएंगे, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं 2 दिन लगेंगे, कहीं 1 महीना लगेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ना आए इसलिए वो ठीक से काम कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स में आप लोग बहुत सारे हो गए प्रोजेक्ट मैनेजर, आपको पता है प्रोजेक्ट मैनेजर में कितना टाइम लगता है, कितना क्या होता है। कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, ऐप डेवलपर्स होते हैं, प्रोजेक्ट राइटर्स होते हैं, इन सबको मोटा मोटा पैसा देना पड़ता है। तो क्या ये पैसा कोरडाओ ने हमसे लिया है? वो उनका पैसा खुद कर रहे हैं, उनका पैसा खुद लगा रहे हैं, खुद कर रहे हैं फंड्स का मैनेजमेंट कर रहे। फंड मैनेजमेंट भी होता है प्रॉब्लम, हर किसी को मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है। तो फंड्स भी कर रहे हैं ना, हमसे पैसे मांग रहे हो और ना ही एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमा रहे, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हम हमारे पेशेंट्स खोने नहीं चाहिए। देखो मैं भी इम्पेशेंट हूँ, मैं भी इम्पेशेंट हूँ, मेरे भी पेशेंट जा रहे हैं, लेकिन हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए कि वो लेट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। ये तो बात हो गई, बराबर ठीक है। अभी एक पॉइंट है कोरडाओ, इसका कोरडाओ के डिस्कॉर्ड हैंडल में देखो ये पार्ट लिखा है, मैंने पढ़ लेता हूँ आपके लिए, बहुत ही बढ़िया लिखा है, वो मॉडरेटर है उसका, कि क्यों स्कैम नहीं होगा। आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, इफ प्रोजेक्ट इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्च, अगर प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होना होता, व्हाई डिड कोरडाओ गिव आउट ओवर $60 मिलियन वर्थ ऑफ BTC? 60 मिलियन पैसा उन्होंने खुद के पॉकेट से दिया है, ये तो आपको भी पता है, मुझको भी पता है, बराबर। यहाँ पर बात खत्म हो गई। रिमेम्बर 100 पीपल वर अर्निंग, ये तो छोड़ दो, 888 मिलता था 2 साल तक, वो सब कैलकुलेशन हम कर लेंगे कितना होता है। तो ये कैलकुलेशन करके तो 60 मिलियन तो हमें फ्री में पैसा मिलता था। अगर इन्हें इनको स्कैम करना था, कुछ करना था, तो ये पैसे बांटते नहीं और अभी तक भाग जाते, बराबर। आस्क योरसेल्फ, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पार्ट पढ़ ले। आस्क योरसेल्फ व्हाई डिड कोरडाओ इनवाइट top 3 बेस्ट ब्लॉकचेन ऑडिटर्स, टॉप 3 ब्लॉकचेन ऑडिटर्स को बुलाया इन्होंने, पता है ना आपको, एल्बॉन और कौन सा था, एक सर्टिक, एल्बॉन सर्टिक और एक था कोई, द लीस्ट अथॉरिटी, इन ऑडिटर से उन्होंने ऑडिट करवा लिया। एंड यू थिंक ही विल अबैंडन द प्रोजेक्ट हाफ वे थ्रू, हाफ में छोड़ देगा वो? नहीं, यू आर द वन दैट नीड्स सम पेशेंस, हमें शांत रहना। अभी सर्टिक का बात निकला तो सर्टिक का ये पोस्ट देख लो, सर्टिक के टॉप लिस्ट में जो था ना, सर्टिक के वॉच लिस्ट के टॉप में कोरडाओ हुआ है, 3 नंबर पे है। तो इतना हाइप क्रिएट हो चुका है, नहीं इसका ही हाइप क्रिएट हुआ है, मैं बोल रहा हूँ पाई का भी हाइप क्रिएट हो चुका है, पाई को भी बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं। पाई के बोलेंगे आप स्कैम है, पाई का क्या हो रहा है क्या नहीं, पाई भी भाग सकता है, 2 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स है पाई में, और पाई के बारे में आपको पता है, पाई के बारे में ये बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। जितना बिटकॉइन ने हाइप किया था ना 2009 से 2013 तक, शांति था बिटकॉइन,
उसके बाद हाइप हुआ था, उसके बाद जो हाइप हुआ है वो पाई कम्युनिटी का हुआ है। पाई इज जनरेटिंग द लार्जेस्ट क्रिप्टोकरेंसी अवेयरनेस इन हिस्ट्री, सेकंड ओनली टू BTCS, ठीक है, सेकंड ओनली टू BTCS। देयर हैज बीन नेवर सच अ वाइड डायनेमिक एंड डिफ्यूज पब्लिक डिस्कशन अमंग ऑर्डिनरी पीपल एज इट हैपेंड नाउ। तो मैं पाई नेटवर्क का पार्ट हूं इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है ऐसे यहां पर लिखा। तो पाई कम्युनिटी बढ़ रही है। पाई को भी अगर करना था, देखो पाई को करना था, अगर भाग जाना था, अभी तक हम लोग कितने लोगों की KYC पड़ी, उन्होंने कैसे भी अड़ा टेढ़ा गलत सलत KYC कर ली होती अभी तक सब लोगों की और भाग गए होते, बराबर ना? नहीं भागे, वो भी नहीं भागे, KYC कंप्लीट नहीं है। तो पाई में भी विश्वास रखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया सरटिक 3 नंबर पे है वॉच लिस्ट पे, उसी तरह पाई का भी देख लो, ये निकोलस है जो फाउंडर है वो भी ब्लॉकचेन के टॉप फाउंडर 5 में से 3rd नंबर पे आता है। पाई नेटवर्क फाउंडर निकोलस कोकालेस रेटेड 3rd अमंग द लिस्ट ऑफ टॉप 5 ब्लॉकचेन फाउंडर्स इन 2020। ये बाइनेंस का हेड है किसी और का। तो यहां पर इतने जल्दी ये भी 3rd नंबर पे आ चुका है। तो आप समझ लो कि ये सब कुछ जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है, हमें सिर्फ धैर्य रखना है, वेट करना है और हमें इन्हें सपोर्ट करना है, जो वही कर रहा है हमें सपोर्ट करना है। ये लेट हो रहा है इसका मतलब कुछ नहीं होता। देखो हम लोग हमारे फैमिली में फैमिली फंक्शन को जाते हैं, कुछ मीटिंग को जाते हैं या पिक्चर को जाते हैं, मूवी को, तो किसी न किसी कारण से लेट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हम पिक्चर कैंसिल करते हैं, अगले फ्राइडे को जाके देख लेते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम आया है जो लास्ट मोमेंट में उन्हें पता चला है और उसे ठीक करने में शायद 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं या 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन मेन नेट आना ही आना है। तो बस लेट हो रहा है इसीलिए इसे स्कैम मत कहना दोस्तों। इसी के लिए ये वीडियो बनाई थी और अब जो मेरे दोस्त है जो ओमेगा में माइनिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। कल से आपका ऐप नहीं चल रहा तो अभी उसकी माइनिंग स्पीड कम हो चुकी है दोस्तों, ओमेगा की माइनिंग स्पीड कम हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और बस ओमेगा को अपडेट कर देना है। ओमेगा को आप अपडेट कर दोगे आपका ऐप चालू हो जाएगा। अब स्पीड कम हो गई, पहले 1.60 मिलते थे, अभी 0.66 मिल रहा है कॉइंस, तो आज से थोड़े कॉइंस कम मिल जाएंगे हमें। तो ठीक है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, 1-2 साल चलने वाली है माइनिंग, आगे जाके ये सच है झूठ है इन सब का पता तो बाद में ही चलेगा, इतनी जल्दी पता नहीं चलता, नया माइनिंग ऐप है। तो बस अब इसमें 5 सेकेंड देते रहो, सच है झूठ है क्या है इसके बारे में तो अपडेट देने के लिए हम बैठे ही हैं, अपडेट दे देंगे। अगर जिस दिन झूठ हुआ उस दिन डिलीट, बाय बाय, और सच हुआ तो बल्ले बल्ले भैया, ठीक है। ओके गाइस, तो यही विदा लेता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय फ्रेंड्स।